हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर आने वाले चंद सालों में जो मूवीज लेकर आने वाले हैं, उनमें जो ज्यादा मूवीज होने वाली हैं वो सीक्वल्स होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दे दे प्यार दे 2 आने वाली है, भोला 2 आने वाली है, उसके अलावा अब रेड 2 को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होने वाली है और इस मूवी का स्क्रिप्ट का जो काम है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो दोस्तों, क्या अपडेट है फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेड मूवी आई थी 2018 में और इस मूवी का बजट था 35 करोड़ और इस मूवी ने लगभग इंडिया से जो नेट कलेक्शन किया था वो 104 करोड़ का किया था और वहीं इस मूवी का जो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन था वो 133 करोड़ था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन किया था वो 155 करोड़ था। यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। और वहीं अगर बात करें रेड 2 मूवी की, तो आप सभी को पता है कि रेड मूवी की स्टोरी थी वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, यानी कि ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। और वहीं अब पार्ट 2 को लेकर इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, उन्होंने बताया है कि इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है और वहीं इस मूवी की भी जो स्टोरी होने वाली है वो भी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। यानी कि आप सभी समझ सकते हैं कि रियल इंसिडेंट के ऊपर ये मूवी बेस्ड होने वाली है और इस मूवी की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। यानी कि ये मूवी उससे ज्यादा ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, उससे कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं करने वाली। यानी कि रेड 2 जो मूवी होने वाली है उसकी जो स्टोरी है वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस होने वाली है और वहीं इस मूवी की जो स्क्रिप्टिंग का काम है वो अभी चल रहा है। यानी कि पेपर वर्क अभी इस मूवी का कंप्लीट नहीं हुआ, जब पेपर वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद इस मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह रेड 2 मूवी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने जो कि मैंने आप सभी को बताई है। वहीं आपको इस मूवी का कितना इंतजार है मैं जरूर, पिछले वीडियो को लाइक करें, चैनल को बेल आइकन को दबा दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें।